नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, बिजली और सड़क के मामले में तरक्की कर रहा है, बल्कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। यही कारण है कि बिहार राज्य का विकास दर आज देश के विकास दर से भी ज्यादा है। बिहार की विकास दर 2005 से 6 में महज 0.92% थी। वो नीतीश जी के प्रयासों से महज 5 सालों के भीतर 2011 से 12 में 13.33% हो गई। बिहार का विकास पिछले कई वर्षों से 2 अंकों में बना हुआ है। प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से लाखों लाभार्थियों ने अपना व्यवसाय शुरू किया, जिससे हजारों रोजगार सृजित हुए। राज्य में लाखों छोटे बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, जिनमें कपड़ा, कागज, कृषि, लकड़ी, धातु, रेशम, विद्युत और रासायनिक आधारित कार्य होते हैं। ये औद्योगिक इकाइयां जीवनोपार्जन के साथ साथ राज्य की आर्थिक स्थिति में भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही है। एक राज्य के रूप में बिहार अपने उपलब्ध संसाधनों से अप्रत्याशित कार्य कर रहा है, लेकिन बिहार को तरक्की के लिए केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बिहार को सिर्फ 10% का भुगतान होगा। ऐसे में 30% की जो अतिरिक्त राशि बचेगी उसे हम राज्य के अन्य योजनाओं के लिए उपयोग में ला सकेंगे। विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे से बिहार में निवेश करने वालों को कई तरह के टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे निवेश के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वहीं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का भी कहना है कि बिहार की आबादी और संसाधनों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। नीति आयोग के आंकड़े और रघुराम राजन की रिपोर्ट दोनों एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि बिहार और देश दोनों के विकास के लिए बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए।